दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज द्वारा दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का महाराणा प्रताप के मैदान में आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय कुश्ती संघ के कोच चंद्रविजय सिंह ने ध्वजारोहण कर व गुब्बारा उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। वहीं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन बालिका वर्ग के खिलाड़ियों द्वारा 200 मीटर दौड़ लगाकर किया गया, जिसके संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के कोच चंद्रविजय सिंह ने बताया कि एक स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खेलों में पदक जीतना ही उपलब्धि नहीं बल्कि प्रतिभा करना ही महत्वपूर्ण है तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है और खेल इसका सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्वांचल के महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें यथासंभव आगे लाना होगा, जैसे साक्षी मलिक, शाइना नेहवाल आदि महिला खिलाड़ी खेल की दुनिया में शिखर पर हैं। वास्तव में खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, स्वास्थ्य का उत्साह तथा सर्व गुणों का विकास करते हुए उत्तम जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, क्रीडा सचिव अवधेश शुक्ला, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, प्रोफेसर शशि प्रभा सिंह, प्रोफेसर अरुण तिवारी, प्रोफेसर गीता सिंह सहित अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिका, छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के कोच चंद्रविजय सिंह ने कहा, 200 मीटर बालक, अध्यापक बहनों, प्राध्यापक भाइयों, प्राध्यापिका बहनों का भी मैं करता हूँ, सभी बच्चों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैम आप लोग भी अर्चना ओलंपिक की जो मुख्य बात है वो प्रतियोगिता में शालीनता एवं सहर्ष एवं विद्युत खेल भावना से समस्त अधिकृत नियमों का पालन करते हुए देखते हुए उसकी तिछटता को देखते हुए मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। दो तीन बातें आपको, जैसे आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते लड़ते अंत में अंतिम चेतावनी के तौर पे क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, उसी तरह से आज भारत में फिट इंडिया मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है और जिस पर हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से जोर देते हैं। पहले खेल की दुनिया में कामयाबी हासिल करना सिर्फ परिवार के सहयोग और व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रयास के बल पे ही संभव था। आज खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार खेल दुनिया में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को, और जो ये हौसला रखते हैं कि हम खेल को अपना करियर बनाएंगे, हम विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से हम अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएंगे, तो इसके लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा कर रही है। वापस हो जाएं सभी बच्चे, वापस हो जाएं, वापस हो जाएं बच्चे।
ये दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का वार्षिक खेलकूद समारोह आज आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और जो भी बच्चे इसमें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि खेल का अभी इंडिया के कार्यक्रम सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक विद्यालय स्तर पे खेल को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक वो जो भी प्रोग्राम है सरकार के वो सफल नहीं होंगे। तो वार्षिक खेल कूद समारोह को आयोजित करने के लिए यहाँ के प्राचार महोदय, जो भी खेल अध्यापक लोग हैं, सारे गुरुजन, सभी को मैं बधाई दूंगा और जो भी बच्चे इसमें प्रतिभाग किए हैं, जो विजेता हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने प्रतिभाग किया है, चूँकि खेल में केवल विजेता होना ही उपलब्धि नहीं है, उसमें प्रतिभाग करना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, तो उन सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कैसा देना चाहेंगे बाकी युवाओं में खेल का माध्यम? युवाओं का चूँकि अभी का जो माहौल है, चूँकि खेल में भी अच्छा करियर है, जो कि पहले एक भ्रांति फैली हुई थी कि जो बच्चे पढ़ाई में नहीं ठीक होते तो लोगों का मानना था कि उनको खेल में डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अच्छे बच्चे जो खेल में आ रहे हैं, खेल में अच्छा करियर भी है और गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, क्लास टू की नौकरी डायरेक्ट मिल रही है। तो जो भी बच्चे हैं जिनकी अगर खेल में रुचि है, किसी भी खेल में, लड़कों के साथ साथ में जो भी अध्यापक बंधु हैं इनसे भी विशेष आग्रह करना चाहूँगा, अभिभावक से भी, कि जो बच्चियाँ हैं पूर्वांचल में, मतलब मैंने जो अनुभव किया है कि बच्चियों को लोग खेल में कम डालते हैं और बच्चियों को कम आगे आने का अवसर मिलता है, तो उनको भी अगर किसी खेल में बच्चियों की अगर रुचि है तो उनको ज़रूर प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें कि आगे उनको मौका मिले, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो खेल के लिए बहुत अच्छा है। हर तरह से सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहूँगा जो भी बच्चे हैं अगर उनकी खेल में रुचि है तो उनके अभिभावक ज़रूर उनको प्रोत्साहित करें।